जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा कैसे आप अपने लैपटॉप में खुद से SSD इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप है, बस इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। तो इस वीडियो में मैं आपको HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप में SSD इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, लेकिन ये प्रोसेस सारे ही लैपटॉप के लिए सिमिलर होता है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। सो हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू आवर क्रेजी टेक स्पेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बताया था आप अपने लैपटॉप में कैसे रैम को इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, तो दोस्तों इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं वेस्टर्न डिजिटल का 500 GB का NVMe SSD और इसका मॉडल नंबर है SN550। और दोस्तों इस SSD के साथ आपको 5 ईयर्स का वारंटी भी मिलता है। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो ये एक यूज़र मैनुअल है जो कि आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो इसी के साथ ये रहा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा SSD। अगर हम इसे रैम के साइज़ से कंपेयर करें तो रैम से भी थोड़ा सा छोटा ही है। बाकी इसके ऊपर कुछ डिटेल मेंशन है जो कि आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं कैसे आप इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप का बैकलिट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रंट साइड में 3 स्क्रू है और बैक साइड में 4 स्क्रू है। तो सबसे पहले आप इसे ओपन कर लेंगे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका लैपटॉप वारंटी पीरियड के अंदर है तो फिर आपके लिए सर्विस सेंटर जाना प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि स्क्रू के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर होता है जो कि अगर फट जाता है या फिर कहीं गुम जाता है तो फिर आपका वारंटी वॉइड भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रैम स्लॉट है जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में रैम इंस्टॉल किया था, और इसी के राइट साइड में M.2 SSD स्लॉट है जिसमें कि आज हम अपने SSD को इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों एक और बात, आप जब अपने लिए SSD ऑर्डर करेंगे तो ये भी चेक कर लीजिएगा उस SSD के साथ स्क्रू आता है या नहीं, क्योंकि लैपटॉप में इसे इंस्टॉल करने वक्त स्क्रू का जरूरत पड़ता है। मेरे पास तो पहले से एक स्क्रू पड़ा हुआ था तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाए। और अगर आपने SSD मंगा लिया और उसके साथ स्क्रू नहीं आया है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप कोई पुराना स्क्रू यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आपको इस साइज़ का स्क्रू मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने SSD को इंस्टॉल करते हैं। तो आपको 45 डिग्री के एंगल में SSD को स्लॉट के बॉटम में मैच करना है और धीरे से प्रेस कर देना है। याद रहे ये सब चीज़ में कभी भी आपको फोर्स यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकता है। और इसका सेकेंड एंड जो कि ऊपर उठा हुआ है इसे भी नीचे प्रेस कर देना है, और इसके बाद स्क्रू को वहाँ पर टाइट कर देना है। और इसके बाद बस आपका SSD इंस्टॉल हो चुका है। तो था ना बहुत ही सिंपल प्रोसेस। तो चलिए अब लैपटॉप के कवर को लगा देते हैं और देखते हैं लैपटॉप ऑन करके SSD हमारा सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आप लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा SSD जो कि डिस्क 1 में है। ये WD का SSD है और 466 GB इसमें फ्री स्पेस अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी क्वेरी रह गया हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस सीरीज़ के मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा आप कैसे अपने विंडोज़ को HDD से SSD माइग्रेट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ और नए नए लैपटॉप के रिकमेंडेशन भी देते रहता हूँ।